भारत के ऐसे स्थान जहां जाने की अनुमति आपको नहीं है। यह जगह काफी खतरनाक और रहस्यमयी है। भारत एक ऐसा देश जिसकी सुंदरता की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। भारत के हर जिले में कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य है जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। मगर हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ या तो आपको जाने की अनुमति नहीं या उन स्थानों के बारे में जानकर आप स्वयं नहीं जाएंगे। अब आपको यह सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य तो जरूर हुआ होगा, लेकिन हम अपने ही देश के बारे में बात कर रहे हैं। अपने देश के बारे में ऐसी बातें जानकर चौंकना तो स्वाभाविक है। अगर आप भी ऐसी नई जानकारियां या रहस्यमय वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें, इससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर बात करते हैं ऐसे स्थानों की जहां जाने की अनुमति आपको नहीं है। नंबर 5 पे है जैविस होम पुणे, जिसे यहूदी घर भी कहा जाता है। यह पुणे में है। पुणे में लगभग 4,400 यहूदी हैं, जिन्हें भारत सरकार ने अल्पसंख्यक दर्जा दिया है। यहाँ एक यहूदी घर भी है जो कोरेगांव पार्क क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ हर समय भारतीय पुलिस का जबरदस्त पहरा रहता है। इस स्थान में ऐसा क्या है और इस घर को इतनी सुरक्षा प्रदान क्यों की गई है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। यहाँ के यहूदी उपासना गृह में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के यहूदियों को इजराइल पैसे भेजता है। खैर, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, टनल नंबर 33 शिमला, हिमाचल प्रदेश। हो सकता है आप शिमला जरूर गए हों, लेकिन क्या आपने टनल नंबर 33 के बारे में सुना है? शिमला जाते हुए कई टनल रास्ते में आते हैं, उन्हीं में से एक है बारोद की। यह टनल नंबर 33, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अंग्रेजी इंजीनियर की आत्मा भटकती है। अंग्रेजों के जमाने में कर्नल बारोद को इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वो इसको ठीक से निभा नहीं पाए और उसने अपने आप को गोली मार ली थी। बस तभी से यहाँ कर्नल बारोद की आत्मा को अक्सर देखा गया है। अगली बार आप भी शिमला जाएं तो इस स्थान पर जाने की हिम्मत ना करें। वैसे आपका क्या मानना है, क्या सच में कर्नल बारोद की आत्मा भटक रही होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नंबर 3, जीपी ब्लॉक मेरठ। जीपी ब्लॉक भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर एक अंग्रेजी दरोगा डी सूजा की आत्मा भटकती है और ब्रेड और अंडे मांगती है। लोगों ने यहाँ एक साड़ी पहने औरत को घूमते और अन्य लोगों को भी देखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम आपको यहाँ ना जाने की ही सलाह देंगे। नंबर 2 पर है फ्री कैसोल कैफे, हिमाचल प्रदेश। किसी जगह पर भूत प्रेत आदि की वजह से ना जा पाए तो बात समझ में आती है, किंतु अगर आपको यह पता चले कि भारत में ऐसे स्थान भी हैं जहां भारतीय को ही जाने की अनुमति नहीं है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हिमाचल प्रदेश के कैसोल नाम की जगह पर एक ऐसा ही कैफे है जिसका नाम है फ्री कैसोल कैफे। वहां भारतीय को नहीं आने दिया जाता। इस कैफे में केवल इजराइल या विदेशी का ही स्वागत किया जाता है, लेकिन इस कैफे का मालिक इस बात का पूरी तरह खंडन करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि आज भी यहाँ पर भारतीय को आने नहीं दिया जाता। नंबर 1 है निधिवन निकुंज, वृंदावन। वृंदावन श्री कृष्ण जी का वो स्थान है जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन का हर स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करता है, किंतु इसका निधिवन कई तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है। इस निधिवन से में हजारों पौधे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ रात को आने वाली आवाजों से लगता है कि यहाँ असाधारण गतिविधियाँ होती है, जैसे असुरों से श्री कृष्ण का युद्ध और गोपियों और राधा के संग रासलीला। यही कारण है कि निधिवन में रात को किसी को भी जाने को अनुमति नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने रात को यहाँ रुकने और रासलीला को देखने का साहस किया है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो अंधा हो जाता है, या फिर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। चलिए अब हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जो भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे खतरनाक जगह में से एक है। यह जगह है कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो पिछले 170 सालों से सुनसान है और खंडरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ के सभी निवासी एक ही रात में यह जगह खाली करके यहाँ से चले गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान को यह श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी बस ना पाए। सवाल यह उठता है कि आखिर वो लोग इस स्थान को छोड़कर क्यों गए? तो बताया जाता है कि यहाँ कुछ ऐसी शक्तियों का वास है जिसने इसे छोड़ने से मजबूर कर दिया। हमने कुलधरा के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आपको वो वीडियो भी जरूर अच्छी लगेगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।